नमस्कार, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। जिंदगी में गणित का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप गणित नहीं जानते तो आप गणनाएं नहीं कर सकते, सब्जी वाले से हिसाब किताब ठीक नहीं लगा सकते। घर परिवार का जो लेन देन है और दीन दुनियादारी का जो लेन देना है वो हिसाब प्रॉपर नहीं लग सकता। किसी से ब्याज पे पैसा लिया है या ब्याज पे पैसा दिया है उसका हिसाब भी नहीं लग सकता। आपको गणित का हिसाब लगाना पड़ेगा। तो गणित जिंदगी का एक मजेदार हिस्सा है और जब हम प्रैक्टिकल रूप में आते हैं उसके तो वो बहुत अच्छा लगता है, और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वो हमें बोझ सा लगता है क्योंकि हम उसकी उपयोगिता नहीं जानते। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम आप 10वीं क्लास में आ गए हैं और बड़े हो गए हैं, क्योंकि आपको एहसास स्कूल जाने का नहीं हुआ, 9th के बाद ऑटोमेटिकली आप 10th क्लास में आ गए हैं। तो आप समझ लीजिए आप बड़े हो गए हैं, और बड़े होने के साथ अब आपके पास एक जिम्मेदारी आ गई है कि 10वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षाएं होती है, जो जिंदगी का पहला पड़ाव होता है, जब आपको प्रमाणित करता है कि आप एक हाई स्कूल पास, सर्टिफिकेट पास नागरिक हैं इस देश के, और अधिकृत रूप से मैच्योर परिपक्व नागरिक बनने जा रहे हैं। तो उसकी तैयारी का पहला चरण है 10वीं क्लास। तो आप तैयार हैं, आई होप सो, सब मस्त होंगे, खुश होंगे, और जो खुश नहीं हो वो हो जाए खुश, क्योंकि सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले जो चरण में हम लोग बात करेंगे तो उसमें आपको पूरा गणित का एक बार पूर्ण अच्छा बता दूं कि इसमें जो थ्योरेटिकल वाला हिस्सा है इसमें 70 नंबर टोटल होंगे। ये देखिए 70 नंबर, ये 70 नंबर होंगे आपके, और 70 नंबर के ऊपर संख्या पद्धति जो पहले पढ़ा चुके हैं हम 5 नंबर की है, और जो आज हम पढ़ाएंगे बीजगणित ये 18 नंबर का है, और 18 नंबर में से जो पहला चैप्टर है, 3 चैप्टर है इसमें, उनको हम अलग से बात करेंगे। और पहला चैप्टर है बहुपद। बहुपद में 3 चीजें होती हैं, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। तो तीनों के बारे में चर्चा करेंगे और फिर उसके सवाल हल करेंगे। एक बात समझ लीजिए, मैं यहां आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, अच्छी बात है, लेकिन आपने देखा कोच होता है जो दौड़ की प्रैक्टिस कराता है और फिर कहते हैं गुरुजी अगर तुम इतना बढ़िया दौड़ सकते हो तो फिर ओलंपिक के मेडल तो आप ही लिया होगे ना। नहीं, कोच का काम है रास्ता दिखाना, दौड़ना काम है खिलाड़ी का, क्योंकि मेडल वही ला सकता है। कोच रास्ते जानता है, दौड़ा कैसे जा सकता है और उसके लिए तैयारी कैसे की जा सकती है, लेकिन कोच दौड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो स्टेमिना जो चाहिए वो आप जैसे युवा में ही हो सकता है। चलिए, तो वो स्टेमिना आपके अंदर है, तैयार है, मैं आपको रास्ता बताऊंगा, मैं आपको सवाल करने के तरीके बताऊंगा और फिर आप मस्ती के साथ उसमें जुट जाइएगा। आपको लगेगा कि कितना सरल है गणित, गणित बिल्कुल भी टफ नहीं है, मस्त है, बढ़िया है, एकदम अच्छा है। चलिए तो शुरू करते हैं, अब हम बहुपद पे आते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले आज का जो चैप्टर है हमारा पार्ट 10th क्लास कक्षा 10 जिसे हम बोल सकते हैं, और इसमें पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद, बहुपद में आपको क्या करना है, 3 प्रकार की चीजें होंगी। सबसे पहले होती है कि जिनके अंदर खाली जैसे 2x प्लस 3 हो तो ये कहलाएगा x की घात कितनी है, इसमें 1 है। तो जहां पर x की घात 1 होती है उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद, और जहां पर मान लिया सपोज करो 2x स्क्वायर प्लस 3 है तो इसे कहेंगे आप द्विघातीय बहुपद, और जहां पर x की घात 3 हो उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघातीय
बहुपद। इस प्रकार से ये तीन घातीय बहुपद हैं, आपका रेखिक हो गया, द्विघात हो गया और त्रिघात बहुपद हो गया। इस प्रकार से ये तीनों आपके पास हो गए। अब आप सवाल आता है कि इसको करा कैसे जाता है। सबसे पहले हम रैखिक बहुपद की एक्सरसाइज लेंगे, एक्सरसाइज 2.1 लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें आपको समझना होगा कि जब हमने ग्राफ बनाना सीखा था तो हमने ये बताया था x डैश y डैश। यहां पर मूल्यांक 0,0 होता है। मूलांक बोलते हैं इसे, मूल बिंदु जिसे हम कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर को चलेंगे तो प्लस होगा, इधर को चलेंगे तो हम माइनस होगा, और ऊपर जाते हैं हम तो प्लस होगा वाई, और इधर चलेंगे तो हम माइनस होगा। यानी ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, ये हमको पता था। अब बात आती है कि इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा, अगर एक हम ग्राफ बनाते हैं, अगर वो सीधी रेखा जा रही है तो ये 2x प्लस 3 कहलाएगा, यानी कि एक रेखिक समीकरण है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है शून्यांक वाली। अगर ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है तो आप देखेंगे कि जीरो वाले पार्ट पर ये x बराबर 0 एक यहां पर भी और यहां भी है, तो यहां दो बिंदु आएंगे, तो इसका बिंदु सपोज करो बिंदु जो होगा x और y, y की मात्रा यहां से ज्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 0 और 9 है, -0, 9, और ये वाला 1, 2, 3, 4 ये होगा 0, 4। तो अगर आप देखें इन दोनों बिंदुओं को तो माइनस है क्योंकि इधर वाला पार्ट, तो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो इसे कहेंगे दो शून्यांक। कितने शून्यांक है यहां पर, इसके शून्यांक अगर हम निकालें तो इसका मतलब है कि इसके हैं दो शून्यांक हैं, ठीक है। और यदि ग्राफ केवल एक बार टच करके ऐसे निकल गया तो इसमें भी एक ही शून्यांक होगा, एक शून्यांक होगा, इसे कहेंगे एक ही शून्यांक होगा। तो ग्राफ जितनी बार जीरो वाले इस पार्ट से गुजरता है उसको हम उतने ही शून्यांक बोलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इसी प्रकार के सवाल आपके एक्सरसाइज 2.1 में है, उदाहरण के तौर पर हम इसको कर सकते हैं। आप पार्ट निकाल लें। अगर हम पार्ट एक्सरसाइज 2.1 को देखें और इसको समझने की कोशिश करेंगे, देखिए ये एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, शून्य कितने होंगे। मैं अभी आपको बता रहा था ना कि कितने ग्राफ पर x या y का 0 कितनी बार आया, तो वो उसके उतने ही शून्यक होंगे। उदाहरण के तौर पर मैं जरा से इसमें से पेन ले लूं, एक पेन लिया हमने, ये अगर हम इस पेन को लें और ये देखें इस वाले में देखें तो इसमें शून्यंक कितने होंगे, इसमें शून्यंक 0 है, इसमें शून्यंक 0। यहां देखिए तो यहां काट रहा है एक बार, तो एक बार यहां से काटा तो इसका शून्यंक कितना होगा, एक्स का एक्स का मान देख रहे हैं तो एक्स का शून्यक 1 होगा, इसका कितना होगा 1। और इसमें देखिए 1, 2, 3 बार, 3 बार ये ग्राफ एक्स से गुजरा है जहां पर एक्स का मतलब 3 होगा, तो इसमें 3 शून्यक होंगे। अगर हम इसकी बात करें चौथे सवाल की, तो इसमें 1 और 2, तो इसमें कितने शून्यक होंगे, 2। और यहां बात करें 1
दो तीन और चार, तो इसमें कितने शून्य अंक होंगे आपके, चार शून्य अंक होंगे। और इसमें देखें एक दो तीन, इसमें कितने शून्य अंक होंगे, तीन होंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर देखें यहां पर ये जो है ये छूकर वापस निकल रही है, क्रॉस नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये एक ही बार माना जाएगा। अगर ये छू के इस तरीके से नीचे आती है फिर वापस जाती तो हम इसे दो बार मानते, लेकिन ये केवल एक बार छू के और यहीं से ऊपर से ही क्रॉस नहीं किया इसने, तो यहां पर हम एक ही इसको मानेंगे। इसी प्रकार यहां भी हम इसको एक ही मानेंगे, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और अब आपको मस्ती के साथ पूरा चैप्टर आपको पीडीएफ फाइल में दे रखा है, आप उसके सवालों को हल करिए, और फिर जो समझ में ना आए बेबाक निसंकोच बिल्कुल पूछ लीजिए। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, जब घर से बाहर निकलते हैं तो सैनिटाइजर से हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए। सैनिटाइज का मतलब भी समझ लीजिए कि हाथों पर एक लेयर कोई भी चीज की होनी चाहिए, ताकि कोई भी वस्तु हम डायरेक्टली ना छुएं। तो अगर कुछ भी नहीं है आपके पास में तो रुमाल लेके ऐसे रख लें या पेपर रख लें, रुमाल भी ना रखें पेपर रख लें, और पेपर को उसे पकड़ के, उसे नैपकिन पेपर जो होता है उसे यूं पकड़ के टच करके पकड़ लें, जो भी करें उसको उपयोग करें, उस पेपर को फेंक दें, तो इस प्रकार से आप सेफ रहेंगे। वैसे सैनिटाइजर यूज करें तो ज्यादा बढ़िया, एलोवेरा का ले लें, एल्कोहल या स्प्रिट या आपका सेवलॉन लेके उसके साथ एलोवेरा को मिक्स कर लें, और उसके बाद में अपने घर का सैनिटाइजर भी बना सकते हैं।